नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकार यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2022 के अंदर जितने भी सूचकांक हुए हैं या जितने भी इंडेक्स 2022 के अंदर हुए हैं, तो इन इंडेक्स में मैंने लगभग सभी इंडेक्स को कवर करने की कोशिश की है और लगभग आपके एग्जाम में 99% चांस है कि इन्हीं में से आपको इंडेक्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बशर्ते आप वीडियो को कितना ध्यान से देखते हो। और भाई और कुछ नहीं, ये नोट्स मैंने जो है खुद के लिए बनाए हुए थे, वही नोट्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इस चीज़ को लाइक करोगे और एक एक क्वेश्चन के साथ आपको इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। प्लस आपको इसमें एक चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ, इस वीडियो के साथ आपके देश और उनकी राजधानियाँ भी कवर हो जाएंगी। इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जितने देश आप आज इस वीडियो में पढ़ोगे, कम से कम उतने देशों की राजधानियाँ आपको रट जाएंगी। ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ आज आपको। ठीक है, बस आपको मेरे साथ साथ चलना है, मेरी आवाज़ पर ध्यान रखना है और मेरी पेंसिल पर निगाह रखनी है। ठीक, चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो मैं सीधा सीधा आपको बताता हुआ चलूंगा, जिस तरह से मैं रिविजन करता हूँ आपको भी इस तरह से करना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 135। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। कई बार पूछ लेता है किस संस्था ने ये इंडेक्स जारी किया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। कुल 140 देशों ने भाग लिया है। 2021 में भारत की रैंक क्या थी, 140वीं। 2022 में क्या है, 135वीं। 2021 में क्या थी, 140वीं। ठीक है, इसी के साथ आप देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें टॉप थ्री देश कौन से हैं जिन्होंने टॉप किया है। तो पहले नंबर पर इसमें आइसलैंड आ जाता है, तो बताओ आइसलैंड की राजधानी क्या होगी। आइसलैंड की राजधानी है रिकजेविक। सेकंड नंबर पर है आपका फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी आपकी हो जाती है हेलसिंकी। नॉर्वे आ जाता है तीसरे नंबर पर, नॉर्वे की राजधानी है इसमें ओस्लो। तो बताओ याद हुआ या नहीं हुआ, एक बार और रिवाइज करो। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है, 135। 2021 में क्या थी, 140। कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। कितने देशों ने भाग लिया, 140 देशों ने भाग लिया। पहले नंबर पर कौन रहा, आइसलैंड। दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर नॉर्वे। आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक, फिनलैंड की हेलसिंकी और नॉर्वे की है ओस्लो। तो इस प्रकार से आपको याद, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन का रट्टा लगाते रहो, रट्टा लगाने से कभी क्वेश्चन याद नहीं होता, बशर्ते आप उसे कितनी बार अपनी आंखों के आगे को निकाल दो। जितनी बार अपनी आंखों के आगे को उस क्वेश्चन को निकालोगे, उतनी ज्यादा वो आपके दिमाग में इमेज बना लेगा अपने। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा। तो भारत का स्थान 2022 के अंदर तो रहा 37वां, किसके बात हो रही है, प्रतिस्पर्धा की। और 2021 में भारत का स्थान रहा था 43वां। टॉप थ्री देश देख लो, पहले नंबर पर आपका डेनमार्क रहा, डेनमार्क की राजधानी हो जाती है आपकी क्या, कोपेनहेगन। दूसरे नंबर पर आपका स्विट्जरलैंड रहा, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और तीसरे नंबर पर रहा सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी या सिंगापुर आप कह सकते हो। इसी सिंगापुर से आपको याद आना चाहिए, सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता, ये जीता पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु का नाम क्या है पूरा, पुरसुला वेंकटा सिंधु। जन्म कहाँ हुआ था, 1995 में हैदराबाद के अंदर जन्म हुआ। और हैदराबाद को भारत में किस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया, हैदराबाद को शामिल किया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के द्वारा पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो 2022 में अगर आप खुशहाली देशों के इंडेक्स के बारे में बात करोगे, तो भारत का स्थान रहा 2022 में 136वां। 2021 की अगर मैं बात करता हूँ, 139वां स्थान रहा। और 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का 10वां संस्करण है, ये बात पे ध्यान रख लेना, छोटे से नंबर में वो पूछ लेगा। टॉप थ्री देश कौन कौन से रहे जिन्होंने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान हासिल किया। पहले पर आपका फिनलैंड रहा, फिनलैंड की राजधानी मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले हेलसिंकी। दूसरे पर डेनमार्क रहा, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तीसरे पर आइसलैंड रहा, तीनों की राजधानी मैं पीछे बता चुका हूँ, आइसलैंड की राजधानी है रिकजेविक। और जितनी बार भी ये तीनों देश इसमें बार बार कंटिन्यू होंगे, उतनी बार आपको इनकी राजधानियाँ रिपीट होंगी, बार बार देख लेना। और जब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट करोगे, तब तक एक एक राजधानी आपकी जुबान पर होगी, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। ठीक, हाँ अगर कोई इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखता तो उसकी तो बात अलग है, जो इस वीडियो को ध्यान से कवर करेगा उसके एक एक राजधानी ध्यान याद हो जाएगी, ये बात क्लिक के लग लेना। जो इंडेक्स है वो भी देख लो आप, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो शीर्ष पर रहने वाला शहर है वियना, किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। दूसरे नंबर पर है कोपेनहेगन, किसकी राजधानी है, डेनमार्क की। और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका ज्यूरिख। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात हो रही है, कौन जारी करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये जारी किया जाता है, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में आप इसे कैसे याद रखोगे, EIU के द्वारा ये जारी किया जा सकता, ये जारी किया जाता है। ठीक, भारत में सर्वश्रेष्ठ कौन रहा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, तो भारत में सर्वश्रेष्ठ रही आपकी न्यू दिल्ली, अर्थात भारत की राजधानी। विश्व में न्यू दिल्ली का स्थान रहा 112वां और मुंबई का स्थान रहा 117वां। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना फैक्ट ध्यान होना चाहिए, तब जाकर आप एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा एवरग्रीन क्वेश्चन है जो हर बार हर साल हर एग्जाम में देखने को मिलता है। जितने भी एग्जाम आपके प्रतिवर्ष होते हैं हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। हाँ ये है कि हर वर्ष जो है इसका डाटा अलग अलग होता है लेकिन क्वेश्चन यही देखने को मिलता है और इस बार भी आएगा, ये भी लिख कर रख लेना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो वर्ष में तीन बार जारी होता है, तीन क्वार्टर में ये जारी किया जाता है, क्वार्टर वन, क्वार्टर दो, क्वार्टर तीन। क्वार्टर फर्स्ट में जो इसकी रैंक रही वो रही 83, क्वार्टर सेकंड में भारत की रैंक रही 85, क्वार्टर थर्ड में भारत की रैंक रही 87। फर्स्ट नंबर पे कौन है इसमें? जापान व सिंगापुर। सेकंड नंबर पे रहा जर्मनी और लास्ट रहा अफगानिस्तान। ठीक, अब ये तो था 2022 का डाटा कि 2022 में भारत का स्थान क्या रहा। तो अगर वो यही पूछता है 2022 में भारत का स्थान क्या रहा तो आपको केवल 87 नंबर लगा के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अभी हाल ही में लास्ट क्वार्टर जो हुआ था वो यही हुआ था, क्वार्टर नंबर 3, जिसमें 87वीं रैंक रही। अगर वो 2021 के बारे में पूछता है कि 2021 के इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या स्थान रहा था भारत का, तो 90वां स्थान रहा था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, छोटा सा फैक्ट है, क्या क्या बताया मैंने एक बार रिवाइज करो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा, आप कहोगे 87वां। क्वार्टर वन में क्या था? 83वां। क्वार्टर टू में क्या था? 85वां। क्वार्टर थ्री में क्या रहा? 87वां। पहले नंबर पर कौन? जापान व सिंगापुर। दूसरे पर जर्मनी। तीसरे पर अफगानिस्तान। ठीक है, 2021 में रैंक क्या थी भारत की? 90। इस तरह से आपको याद करना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा। तो 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात करो तो भारत का स्थान रहा 150वां। प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी आपका 3 मई को मनाया जाता है और इसी 3 मई के दिन ही यह रिपोर्ट जारी की जाती है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वाली। ठीक, और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह जारी की जाती है। टॉप तीन देश इसमें देख लेते हैं, टॉप तीन देश हैं इसमें। पहले नंबर पर है आपका नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी मैंने बताई आपको ओस्लो। डेनमार्क दूसरे नंबर पर है जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। स्वीडन तीसरे नंबर पर है जिसकी राजधानी आपकी स्टॉकहोम हो जाती है। और अगर इसमें बात करो कुछ पड़ोसी देशों की भी आपको रैंक याद कर रख लेनी चाहिए, पता नहीं लगता कभी कौन से देश की पूछ लेता है। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो पाकिस्तान की रैंक है इसमें 157वीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, और श्रीलंका की रैंक जो है इसमें 146वीं है, और बांग्लादेश की रैंक है 162वीं। तो कम से कम आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ध्यान रखना। अगर आपसे ये चीज़ें भी नहीं ध्यान रह पाती तो केवल भारत का स्थान ध्यान रखो और पहले नंबर पर कौन है वो ध्यान रखो और यहाँ से पाकिस्तान के ध्यान रखो। मोटा मोटा डाटा ये है याद करने का। ठीक, अगर आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो पूरा डाटा जो है याद रखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में शीर्षतम राज्य कौन सा है। अब ये जो सूचकांक है आपका राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, ये तीन तरह के राज्यों को पुरस्कार प्रदान करता है, अर्थात बड़े राज्यों की सूची भी जारी करता है, छोटे राज्यों की सूची भी जारी करता है और केंद्र शासित प्रदेशों की भी जारी करता है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन में बड़े राज्यों की सूची में शीर्षतम राज्य पूछ रहा है, तो पहले नंबर पर आ जाता है आपका गुजरात बड़े राज्यों में, दूसरे नंबर पर है केरल, तीसरे नंबर पर है पंजाब। तो बड़े राज्यों की बात करेगा तो ये तीन होंगे, और अगर छोटे राज्यों की बात करेगा तो छोटे राज्यों में शीर्षतम है आपका गोवा, दूसरे पर त्रिपुरा, तीसरे पर मणिपुर। अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछता है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्षतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पहले नंबर पर आपका चंडीगढ़ आएगा, दूसरे पर नई दिल्ली, तीसरे पर दमन दीव, दादरा नगर हवेली। ठीक, इस तरह से आपको याद करना है। अगर इसमें बात करूं ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला सूचकांक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीति आयोग से ध्यान आया, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? परमेश्वरन अय्यर। नए उपाध्यक्ष भी बने हैं अभी, सुमन मेहरी। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। किसकी जगह? योजना आयोग की जगह। तो इस तरह से आपको याद करते हुए चलना है तो आप एक एक फैक्ट को याद रख पाओगे। और अगर आपको खुद से याद करने में दिक्कत होती है, खुद से आप रिवीजन नहीं कर पाते, तो भाई वीडियो का सहारा ले लो, जिस तरह से मैं आपको बताता चल रहा हूँ वीडियो में देखो और आदत बनाओ इसी तरह से करने की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बस करना इतना ही है, वीडियो ही तो देखनी है, आपके पास वीडियो रहेगी चैनल पे कहीं नहीं जा रही, कितनी बार भी देखो आप, भाई जितनी बार चाहो आप उतनी बार वीडियो को देख सकते हो, वीडियो तो कहीं जा ही नहीं रही है, अब आपके ऊपर है आप कितनी बार इसको अच्छे से ग्रहण कर पाते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात हो रही है और भारत का स्थान पूछ रहा है 2022 में, तो भारत का स्थान रहा 43वां। ग्लोबल इनोवेशन द्वारा जारी किया जाता है सूचकांक, टॉप थ्री देश हो जाते हैं इसमें, पहले पर यूएसए, दूसरे पर यूके अर्थात इंग्लैंड, तीसरे पर आपका जर्मनी। यूएसए की राजधानी जो है वॉशिंगटन डीसी है, किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। यूके की राजधानी जो है लंदन है, किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने टॉप किया है। पहले नंबर पर टॉप किया है इसमें MIT यूनिवर्सिटी। MIT यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? आपकी USA में स्थित है। सेकंड नंबर पे जो आई है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की। तो तीसरे नंबर पर है आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA की। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, MIT यूनिवर्सिटी कहाँ है, ऑक्सफोर्ड कहाँ है और स्टैनफोर्ड कहाँ है।
तो पहला, दूसरा, तीसरे नंबर की आपकी रैंकिंग बता दी मैंने यहाँ पे। अब अगर भारत की बात करूँ कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की भी तो कुछ यूनिवर्सिटी होंगी जिन्हें कुछ स्थान मिला होगा। जी हाँ बिल्कुल है। तो भारत की IISc बेंगलुरु को विश्व में 155वां स्थान मिला है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। एक तो ये और एक ये, इन दोनों को तो ध्यान रखना ही रखना। अगर मैं बात करूँ IIT मुंबई की तो 172वां स्थान मिला है और IIT दिल्ली को मिला है 174वां। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में भारत का स्थान क्या रहा। तो अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों की अगर बात करूँ और भारत का स्थान की वो 2021 में बात पूछ रहा है, तो तीसरा स्थान हो जाता है, पहले स्थान पर चीन हो जाता है और सेकंड स्थान पर है USA। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है, USA की Washington DC है और Washington DC आपकी पोटोमैक नदी के किनारे बसती है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन आपको मैं एक्स्ट्रा ओवरडोज दे रहा हूँ, ये भी आप देख लेना। भारत ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है, तो ये लक्ष्य रखा है 2070 तक। और इसी के साथ अगर बात करूँ कि भारत का एक राज्य अर्थात मुंबई या महाराष्ट्र आप इसे कह सकते हो, इसने भी अपनी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2050 तक। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अभी हाल ही में UP SSC द्वारा वन रक्षक का पेपर कराया गया था और SSC GD में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान हो जाता है 46वां। EIU द्वारा प्रकाशित होती है। EIU का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये प्रकाशित होती है। तो ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए बनाई जाती है कि आपको जिससे जल्दी से जल्दी याद हो जाए। और टॉप थ्री देश इसमें देख लो, पहले नंबर पर इसमें नॉर्वे हो जाता है, दूसरे पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर है फिनलैंड। नॉर्वे की राजधानी आपकी ओस्लो है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, फिनलैंड की राजधानी आपकी हेलसिंकी हो जाती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही। इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको एक क्रिकेट की कहानी सुनाना चाहूंगा। आप लोग बचपन में क्रिकेट तो खेले ही होंगे। आप में से यदि कोई तेज सा बच्चा होगा या कोई मतलब ऐसा शरारती टाइप बच्चा होगा ना, तो उसने क्या क्या होगा, सपोज करो उसको बैटिंग पसंद है और उसकी बैटिंग जो है चली जाती है, आउट हो जाता है, तो वो कई बार ऐसा करता था कि नहीं नहीं भाई मैं नहीं मानता, बेमानी की है आप लोगों ने, मेरी तो बैटिंग है, मैं तो बैटिंग ही लूंगा, मैं बॉलिंग नहीं करूंगा। तो वही काम इस बार भारत के साथ हुआ है, देखो इसमें क्या कहा हुआ है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक देखो इन्होंने क्या रख दी, 180वीं। अब भारत की रैंक जब इन्होंने 180 रख दी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मामले में, यानी पर्यावरण प्रदर्शन में भारत इतना पीछे है, तो इंडिया को आया गुस्सा। इंडिया ने इस लिस्ट को ही रिजेक्ट कर दिया, कह लगा जाओ हम नहीं मानते, हटाओ इसे, हम नहीं मानते, बेमानी कर दी भाई, सीधी बात है। ठीक, अब चलो ये तो बात थी हंसी की, लेकिन इसमें जो इसकी रैंक रही है ना भारत की, वो आपको ध्यान रखनी है, 180वीं रैंक रही है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। ठीक, टॉप थ्री देश इसमें है, पहले नंबर पर डेनमार्क, दूसरे पर UK, तीसरे पर फिनलैंड। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, इंग्लैंड की राजधानी आपकी लंदन है और फिनलैंड की राजधानी आपकी हेलसिंकी हो जाती है। लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था जीके का, उसमें भी ये क्वेश्चन था और अमेरिका की राजधानी Washington DC वाला भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो पहले नंबर पर रहा इसमें तमिलनाडु, दूसरे पर रहा गुजरात। FSSAI द्वारा जारी किया जाता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ध्यान रखना। FSSAI के फुल फॉर्म पूछ सकता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। अब जब राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात हो रही है, तो इससे आपको याद आना चाहिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है। इसी में अगर छोटे राज्यों में शीर्षतम राज्य पूछता है तो गोवा होगा, और केंद्र शासित प्रदेश में शीर्षतम पूछेगा तो जम्मू कश्मीर होगा। दूसरे नंबर पर आपका दिल्ली आ सकता है, लेकिन आपको वहां तक नहीं जाना, आपको जम्मू कश्मीर तक ही याद रखना है। ठीक, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा अगर फंसना हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा। तो स्वर्ण परिषद रिपोर्ट अर्थात किस देश के पास कितना गोल्ड है, उस रिपोर्ट में भारत का स्थान रहा 4th, यानी कि 4th। पहले स्थान पर है चीन, चीन की राजधानी हो जाती है बीजिंग। दूसरे स्थान पर रहा इटली, इटली की राजधानी रोम है जो कि टाइबर नदी के किनारे है। तीसरे स्थान पर आपका USA रहा जिसकी राजधानी Washington DC और जो कि पोटोमैक नदी के किनारे होती है। ठीक, तो याद रखना है विश्व स्वर्ण परिषद रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा, 4th। पहले पे चीन, दूसरे पे इटली, तीसरे पे USA, तो इस तरह आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही। तो यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पूछ रहा है, और इस इंडेक्स को जारी करती है कौन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है जिसका हेडक्वार्टर आपका जर्मनी के अंदर हो जाता है। भारत का स्थान 2021 में रहा इसका 85वां, 2022 की अभी रिपोर्ट आई नहीं है, तो हाल ही का लेटेस्ट इंडेक्स है और यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक,
इसमें 180 देशों ने भाग लिया। पाकिस्तान का स्थान 140वां था। 180वां जो स्थान था वो था दक्षिणी सूडान का, जो कि अंतिम था। ठीक, पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर रहा इसमें डेनमार्क, इसकी राजधानी आप लोग मुझे बताएंगे। दूसरे स्थान पर आपका न्यूजीलैंड रहा, इसकी भी राजधानी आप लोग कमेंट करेंगे। तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा, इसकी भी राजधानी कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ तो अब उम्मीद करूँगा आप लोगों को याद होने लगी होंगी। जो भी याद है वही बता दो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो पहले स्थान पर इसमें गुजरात रहा, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक। कुछ भी याद न रहे तो गुजरात को तो याद रखना कि नीति आयोग द्वारा जारी जो निर्यात तैयारी सूचकांक होता है 2021 का, उसमें शीर्ष स्थान पर आपका गुजरात राज्य है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आईक्यू एयर 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो ये तो वन एंड ओनली न्यू दिल्ली है, सबको पता होगा इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक रही 54वीं यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में। टॉप थ्री देश, टॉप थ्री कंट्री कौन कौन सी हो जाती हैं? पहले स्थान पर जापान रही, दूसरे पर यूएसए और तीसरे पर आपकी स्पेन रही। जापान की राजधानी टोक्यो है, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी जो कि पोटोमैक नदी के किनारे है, स्पेन की है मैड्रिड। तो इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से आपको पढ़ते हुए चलना है, याद नहीं करना, इस तरह से पढ़ते हुए जाना है, कई बार पढ़ देना है इसको। भले ही आप वीडियो के सहारे से पढ़ो या आप ऑफलाइन नोट्स बनाकर पढ़ो, पढ़ते रहना है बस। याद करने की ज़्यादा दबाव मत डालना दिमाग पे, क्योंकि अब पेपर नज़दीक आ चुका है, तो इसलिए पढ़ो जितनी बार पढ़ा जा सके, जब तक कि आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर अपनी इमेज ना बना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या रही? तो सतत विकास रिपोर्ट की बात कर रहा है और 2022 में भारत की रैंक रही 121वीं, 2021 में भारत की रैंक थी 120वीं। तो इसको तो ईजी है याद रखना, जब भी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट की बात करेगा 2022 में 121वीं, 2021 में 120वीं। ठीक, 163 देशों ने भाग लिया। पहले स्थान पर फिनलैंड रहा, राजधानी बताओ। दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहा, राजधानी बताओ। तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा, इसकी भी राजधानी कमेंट करो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बन गया? तो ये तो वही है अपना भारत, वन एंड ओनली भारत जो है, जो कि है दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा सेना पर खर्च करने वाला देश बन चुका है। और सिपरी द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है, सिपरी के फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करोगे। पहले स्थान पर यूएसए रहा, $801 बिलियन जो है अपनी आर्मी पर खर्च करता है यूएसए। दूसरे पर चीन और तीसरे पर है भारत। भारत जो है $76 बिलियन जो है अपनी आर्मी पर खर्च करने लगा है, इसी के साथ वो तीसरे स्थान पर आ गया है विश्व में। ठीक, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, चीन की बीजिंग, भारत की है नई दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना की क्या रैंक रही? तो भारतीय वायुसेना की रैंक रही इसमें तीसरी, यानी कि थर्ड। पहले स्थान पर यूएसए की वायुसेना रही, दूसरे स्थान पर रूस की, तीसरे पर भारत की और चौथे पर चीन की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस बार हमने चीन को पछाड़ दिया, तो चीन को पछाड़ कर हम तीसरे नंबर पर अपना स्थान बना चुके हैं, जबकि चीन जो है चौथे नंबर पर है। तो भारतीय वायुसेना चीन से आगे है, ये बात यहाँ से पता लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा 10वां। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? 10वां। पहले स्थान पर कौन रहा? कोई नहीं। दूसरे स्थान पर कौन रहा? कोई नहीं। तीसरे स्थान पर भी कोई नहीं रहा, यानी कि शुरू के जो तीन स्थान थे इनको कोई भी भर नहीं सका। तीनों के लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो कोई भी देश पूरी नहीं कर सका, तो इसलिए फोर्थ स्थान पर आपका डेनमार्क रहा, राजधानी कोपेनहेगन। फिफ्थ स्थान पर आपका स्वीडन रहा, स्टॉकहोम राजधानी। और सिक्स्थ स्थान पर आपका नॉर्वे रहा, ओसलेस की राजधानी हो जाती है। पहले तीन स्थान खाली हैं, ध्यान रखना। तो अगर आपसे शीर्षतम देश इस क्वेश्चन में शीर्षतम देश पूछ लेता है, तो शीर्षतम देश आप डेनमार्क को बताओगे, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? IISc बेंगलुरु इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात कर रहा है, 2022 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, NESDA और कुछ नहीं है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट की रिपोर्ट है, इसमें 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो केरल ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश का हवाई अड्डा 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है? तो ये तो न्यूज़ आपने सुनी होगी कि कतर का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो जो है 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन चुका है। कतर की राजधानी क्या हो जाती है? दोहा, वही दोहा जो कबीर गाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला सुशासन सूचकांक में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला सुशासन सूचकांक लगाया गया है, उसमें जो है जम्मू कश्मीर का जम्मू जिला जो है शीर्ष पर रहा है। और सुशासन सूचकांक से एक चीज ध्यान आनी चाहिए, क्या? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस आपको मनाया जाता है 25 दिसंबर को, और क्यों मनाया जाता है ये लोग आप कमेंट में जरूर बताओगे। तो इसी के साथ हमारे सारे इंडेक्स 2022 के जो हैं वे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद को दो तीन क्वेश्चन जो है टेस्ट के लिए मिलेंगे, उन दो तीन क्वेश्चन को लगाकर देखना आपको कितना याद रहा कितना नहीं रहा। ठीक है,
और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी आपकी भारत और विभिन्न कंट्री के साथ जो भी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हुए हैं 2022 के अंदर, वे सभी नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो उसके लिए चिंता ना करें, उस वीडियो के लिए वेट करें, कम्युनिटी पोस्ट पर आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कर लो, रट के फेंक दो, बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी डाटा चाहिएगा बिल्कुल कमेंट में करना, वही आएगा, ठीक है। और पेपर में झंडे गाड़ के आने हैं, ये बात भी ध्यान रख लेना। और मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ और चला जाऊँ, मेरा मन करता है कि मैं आप सभी को मोटिवेट भी करूँ, ठीक। तो इसी के साथ कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जो लोग देखना चाहे देख सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।